दोस्तों फाइनली वो दिन आ ही गया है जिस दिन हमें ट्राइडेंट लिमिटेड के अंदर अपर सर्किट देखने को मिल चुका है। ट्राइडेंट लिमिटेड के अंदर अपर सर्किट के पीछे तीन बड़ी खबरें निकल कर आई हैं। तीनों बड़ी खबरों को आज की इस वीडियो में मैं कवर करने वाला हूं, तो वीडियो में आखिरी तक बने रहिएगा। साथ ही साथ अगर टेक्सटाइल बेस्ड इस कंपनी के अंदर आपने भी इन्वेस्टमेंट कर रखा है या फिर आप भी इन्वेस्टमेंट करने का मन बना रहे हैं तो ये वीडियो आज की आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो वीडियो में आखिरी तक बने रहिएगा और उसके पहले यदि आपने चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। जैसा कि आप देख सकते हैं ट्राइडेंट लिमिटेड का ट्रेडिंग चार्ट मैंने आपके सामने ओपन कर रखा है जिसके अंदर आज के दिन हमें अपर सर्किट तक लगते हुए देखने को मिल चुका है। साथ ही साथ शेयर्स ने अपने पिछले वन मंथ के सपोर्ट को भी अचीव कर लिया है। अब आपको इसके अंदर कुछ बड़ी रैली देखने को मिल सकती है क्योंकि जो तीन बड़ी खबरें यहां पर ट्राइडेंट को लेकर निकल कर आ रही हैं वो बिल्कुल ट्राइडेंट के फेवर में जाती हुई हमें देखने को मिल रही है। साथ ही साथ ट्राइडेंट लिमिटेड के अगर वॉल्यूम बेस्ड काम की तरफ भी नजर मारें तो आज के दिन हमें NAC के अंदर सिर्फ ट्राइडेंट लिमिटेड की 2,61,00,000 क्वांटिटी ट्रेड होते हुए देखने को मिल चुकी है जिसके सामने 1,50,00,000 क्वांटिटी ट्रेड हुई है, यानी कि लगभग 57% क्वांटिटी, यानी कि लगभग 57% क्वांटिटी डिलीवरेबल बेस पर उठाई गई है। और यही नहीं बल्कि ऑर्डर बुक को भी आप देखेंगे तो लगभग 5,00,000 से ज़्यादा क्वांटिटी मार्केट क्लोज होने के बाद भी हमें यहाँ पर अपर सर्किट के अंदर बाइंग के लेवल पर देखने को मिल रही है। तो इतनी बड़ी रैली के पीछे क्या बड़ी वजह है आइए उसे जानते हैं। उसके पहले ट्राइडेंट के अंदर अगर आपने इन्वेस्टमेंट कर रखा है तो नीचे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। जैसा कि आप देख सकते हैं ट्राइडेंट लिमिटेड का न्यूज एंड अपडेट्स का विंडो मैंने आपके सामने ओपन कर रखा है जिसमें कॉरपोरेट अनाउंसमेंट में 27 जुलाई 2021 यानी कि आज ही के दिन एक बड़ी अपडेट्स आपको देखने को मिल रही है। चलिए अब उस अपडेट्स की तरफ चलते हैं जो ट्राइडेंट की तरफ से निकल कर आई है। जैसा कि आप देख सकते हैं ट्राइडेंट लिमिटेड की जो बड़ी अपडेट्स है आज ही के दिन की 27 जुलाई 2021 की वो मैंने आपके सामने ओपन कर रखी है जिसे NAC और BSE के ऑफिशियल वेबसाइट पर पब्लिश किया गया है। सब्जेक्ट में चलें तो देख सकते हैं आप यहां पर जो ट्राइडेंट लिमिटेड की तरफ से अपडेट्स निकल कर आई है वो कंपनी की 31st एनुअल जनरल मीटिंग से रिलेटेड यहां पर अपडेट्स निकल कर आई है। जी हां दोस्तों 27 अगस्त 2021 के दिन कंपनी की यानी कि फ्राइडे के दिन कंपनी की एनुअल जनरल मीटिंग यहां पर हेल्ड होने वाली है। ये जो एनुअल जनरल मीटिंग यानी कि जो AGM हेल्ड होने वाली है ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू हेल्ड होगी। तो यहां पर डेफिनेटली कंपनी कल जो विजन से उन्हें भी यहां पर रखा जाएगा। साथ ही साथ ट्राइडेंट के अंदर जो पिछले एक साल के अंदर आपको एक शानदार ग्रोथ देखने को मिली है उसके बाद कंपनी अपने बिजनेस एक्सपांशन को लेकर काफ़ी बुलिश देखने को मिल रही। कुछ टाइम पहले ही हमें ट्राइडेंट की तरफ से फंड रेजिंग से रिलेटेड भी बड़ी अपडेट्स आते हुए देखने को मिली थी। तो एक अपडेट्स तो ये हो गई कंपनी की जिसके कारण आज आपको तेजी देखने को मिली। चलिए और दूसरी बड़ी अपडेट्स की तरफ मैं आपको ले चलता हूँ। चलिए सेकेंड बड़ी अपडेट्स के बारे में भी बात कर लेते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं म्यूचुअल फंड की जून क्वार्टर की अपडेटेड होल्डिंग्स मैंने आपके सामने ओपन कर रखी है जिसमें चार फंड हाउसेस को मैं यहां पर कवर करने वाला हूं, जिसमें सबसे पहले निप्पॉन इंडिया की बात करें तो निप्पॉन इंडिया ने अपने स्टेक को ट्राइडेंट लिमिटेड के अंदर लगभग 28% से इंक्रीज किया है। साथ ही साथ मोतीलाल ओसवाल के दो बड़े फंड हाउसेस हमें यहां पर देखने को मिल रहे हैं जिसमें मोतीलाल ओसवाल ने एक फंड हाउसेस में लगभग 12.5% से और अनदर फंड हाउसेस में लगभग 10.25% से अपने स्टेक को इंक्रीज करा है। साथ ही साथ ICICI प्रूडेंशियल भी ट्राइडेंट लिमिटेड को लेकर काफ़ी बुलिश हमें देखने को मिल रहा है। लगभग 11% का स्टेक यहां पर ICICI प्रूडेंशियल ने भी अपना इंक्रीज करा है। अदर बड़ी अपडेट्स की बात करें तो ट्राइडेंट लिमिटेड के क्वार्टर वन के रिजल्ट अब बहुत जल्दी अनाउंस होने वाले हैं और जैसा कि मैंने आपको यहां पर मंथली बेसिस पर ट्राइडेंट लिमिटेड की सेल्स शेयर करी थी उसी को ध्यान में रखते हुए ट्राइडेंट लिमिटेड के जो क्वार्टर
वन के रिजल्ट आने वाले हैं। रिजल्ट काफी शानदार आने की उम्मीदें हैं। जो कंपनी का लिलन का बिजनेस है, साथ ही साथ टेक्सटाइल का बिजनेस है, उसमें कंपनी को काफी शानदार ग्रोथ हुई है और रेवेन्यू के अंदर भी काफी शानदार हमें ग्रोथ देखने को मिलने वाली है। साथ ही साथ ईयर ऑन ईयर बेसिस पर अगर हम ट्राइडेंट लिमिटेड के क्वार्टर फोर के रिजल्ट को भी अगर कंपेयर करें तो रेवेन्यू के अंदर भी हमें लगभग 43% की ग्रोथ, नेट इनकम में 90% की ग्रोथ, ईपीएस के अंदर 87% की ग्रोथ और नेट प्रॉफिट मार्जिन में 32% की ग्रोथ हमें देखने को मिली थी। इसी के साथ जैसा कि मैंने कहा कि ट्राइडेंट लिमिटेड ने पिछले एक साल के अपने टारगेट्स को अब अप्रॉक्सीमेटली यहां पर अचीव कर लिया है। कल के दिन अगर ट्राइडेंट लिमिटेड का शेयर्स ₹18.50 के सपोर्ट को यहां पर ब्रेकआउट कर देता है तो डेफिनेटली आपको इस शेयर के अंदर ₹25 के लेवल्स भी बहुत जल्दी देखने को मिल सकते हैं। साथ ही साथ ट्राइडेंट लिमिटेड की जो टेक्निकल रेटिंग निकल कर आ रही है वो भी अब काफ़ी बुलिश निकल कर आ रही है, तो डेफिनेटली अगर आपने इस शेयर्स के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रखा है तो यहाँ पर अब आपको अपनी पोजीशंस को कंटिन्यू रखना चाहिए, क्योंकि अब आपको इसके अंदर रिटर्न्स मिलने वाले हैं बहुत ही शानदार। साथ ही साथ ट्राइडेंट के अंदर आज हमें जो फर्स्ट रेजिस्टेंस था वो तो अचीव होते हुए देखने को मिल चुका है, लेकिन कल के ट्रेडिंग सेशन के दौरान जो दो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस रहने वाले हैं, जिसमें पहला रेजिस्टेंस ₹18.17 का और दूसरा रेजिस्टेंस ₹18.48 का, उसे आपको लेकर चलना है। साथ ही साथ ट्राइडेंट लिमिटेड के अंदर क्वार्टर वन के रिजल्ट तक अगर कोई बड़ी तेजी आती है और यहाँ पर शेयर्स अपने ओल्ड टाइम हाई को ब्रेक करके यहाँ पर कुछ बड़े टारगेट अचीव करता है तो डेफिनेटली आपको इस शेयर के अंदर बहुत जल्दी ₹100 तक के भी टारगेट देखने को मिल सकते हैं। बस आपको इस शेयर्स के अंदर अपनी पोजिशंस को कंटिन्यू रखना होगा। इन्हीं तीन बड़े रीजन के कारण ट्राइडेंट लिमिटेड के अंदर आज वॉल्यूम बेस्ड काम पिछले एक महीने से सबसे ज्यादा हमें देखने को मिला है। जी हां दोस्तों, आज के दिन हमें ट्राइडेंट की लगभग 3 करोड़ क्वांटिटी एनएसी और बीएसई के अंदर ट्रेड होते हुए देखने को मिल चुकी है और कंटिन्यूसली बेसिस पर इस शेयर्स के अंदर हमें जो डिलीवरेबल बेस्ड काम है वो भी लगभग 50-60% के अप्रोक्स देखने को मिल रहा है। तो रिटेल इन्वेस्टर खासकर इस शेयर्स को लेकर काफ़ी बुलिश हमें हमेशा से देखने को मिले हैं और रिटेल इन्वेस्टर्स को किसी भी प्रकार से यहां पर अपने जो कैपिटल है उसमें लॉस ना हो, इसलिए ट्राइडेंट से जुड़ी हर एक छोटी बड़ी अपडेट्स हम कंटिन्यूसली बेसिस पर आपके लिए लेकर आ रहे हैं। तो अगर आपको ये अपडेट्स पसंद आ रही है तो इसे लाइक और शेयर करके हमें इनकरेज करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही साथ कम्युनिटी सेंटीमेंट्स भी ट्राइडेंट को लेकर पूरी तरीके से फेवर में देखने को मिल रहे हैं, लगभग 100% यहां पर बाय की कॉल निकल कर आ रही है। तो अगर इसके आरएसआई लेवल और एमएफआई लेवल को भी चेक करें तो वो भी मिड रेंज में ही है। तो यदि आप करंट शेयर प्राइस से अंदर इसके अंदर फ्रेश पोजीशन बनाना चाहते हैं तो डेफिनेटली ₹25 का टारगेट शॉर्ट टर्म में लेते हुए आप इसके अंदर फ्रेश पोजीशन बना सकते हैं। चलिए दोस्तों, उम्मीद है आपको वीडियो और अपडेट पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही साथ यदि आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल से आपको शेयर मार्केट से जुड़ी हर एक छोटी बड़ी अपडेट्स कंटिन्यूसली बेसिस पर प्रोवाइड करी जा रही है, तो जल्दी से जल्दी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अनदर किसी इंपॉर्टेंट अपडेट के साथ। तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड, स्टे अपडेटेड।